एक दामाद ने शक होने के कारण अपनी सास को 4 दिन पहले मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले का गुरुवार को खुलासा कर दिया। कोतवाली हरिद्वार के ब्रह्मपुरी इलाके में बीती 20 जनवरी को हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के दामाद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि दामाद को शक था कि उसकी सास उसकी पत्नी को भी गलत धंधे में डाल देगी, जिसके बाद उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 20 जनवरी की सुबह ब्रह्मपुरी क्षेत्र के एक मकान में एक बुजुर्ग महिला का उसके घर में लहूलुहान हालत में शव मिला था। महिला के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। घटना का पता उस समय चला जब महिला की बेटी सुबह करीब 11 बजे उससे मिलने उसके घर आई। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि महिला के दामाद शंकर ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। शंकर को शक था कि उसकी सास उसकी पत्नी को भी देह व्यापार के धंधे में धकेल देगी, जिससे नाराज होकर शंकर ने अपनी सास को ही मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ने आरोपी का संबंधित धाराओं में चालान कर उसे जेल भेज दिया है। 3 दिन पूर्व यहां पर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक महिला की डेड बॉडी उसके घर से मिली थी, जिसमें कि हत्या के क्लूज थे, उसकी हत्या की गई थी घर में। तो इससे हमें शक हुआ कि कोई करीबी हत्यारा हो सकता है, महिला की हत्या के पीछे किसी करीबी का हाथ हो सकता है। तो इसमें फिर हमने मूवमेंट्स को, जो भी उसके सगे संबंधी थे उनके मूवमेंट्स को जांचा और पूर्व में उनका किस तरीके का व्यवहार था इसका हमने जांच की। तो इसमें हमें पता पड़ा कि इसके दामाद पर हमको शक हुआ, क्योंकि दामाद की शादी अभी कुछ माह पूर्व ही हुई थी, 4 माह पूर्व हुई थी, तो उस पर हमको शक गया। तो उससे हमने फिर पूछताछ की और कुछ क्ल्यूज़ हमारे पास ऐसे थे कि जिन क्ल्यूज़ को जब हमने उसको शो किया तो उसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि उसने अपनी जो सास है उसकी हत्या की। जब पूछा गया कि क्यों हत्या की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि कुछ गलत कार्य उसके द्वारा किया जाता था, जिसके लिए कई बार उसने उसको टोका और वो अपनी बेटी को भी उसी में वही कार्य करवाना चाहती थी। उस बेसिस पर फिर इसकी हत्या की गई है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।